हो गया था। ठीक है, थोड़े से कस्टमाइज करके टूर एंड ट्रेवल पे वेबसाइट करो। ओके okay. तो आज एनिमेशन लाएंगे, लिंक पे वर्क करेंगे। ओके ओके तो
फोल्डर बना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक वीडियो को इंपोर्ट करेंगे और प्ले करेंगे और सोचेंगे। वीडियो के लिए कौन सा टैग लगता है? वीडियो का यूज नहीं किया है हमने, बैकेंड देखो आज देखो तक। कैसा होता है। ओके, अभी क्या है, सब रेल्स एप्लीकेशन में जो हमने एपीआई बनाई थी वहां वीडियो आ रहा है।
सर आपने जो वीडियो डाउनलोड किया है तो शायद उसमें डॉट एम पी फोर करके लास्ट में, जेपीजी नहीं। हाँ वॉइस नहीं आ रही आपको, वीडियो प्ले होने लगी है। तो यस सर। इसी तरीके से हम कोई भी वीडियो हमारे बेस पेज के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कंटेंट भी रख सकते हैं, तो इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। ओके तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप एज पर योर रिक्वायरमेंट कोई भी GIF या वीडियोस ले सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। इसमें और भी सारी अवेलेबल्स हैं, तो आप कोई भी ग्रैब कर सकते हो यहाँ से और लगा सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर।
हम यहाँ से कोई भी वीडियो हमारे वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या क्या ऑप्शन देंगे ट्रेवल्स और टूर्स में, वो आपको पता करके आना है, ठीक है। क्या क्या होता है टूर एंड ट्रेवल्स की वेबसाइट के ऊपर, सारी वेबसाइट सर्च करो, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या टैब्स होते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे हम बुक कर सकते हैं, ये सारी चीजों की एक नोट बनाओ। और सूर्या एंड ऑफ द यस डे सर, तक सभी के ले लेना जो जो ये ओके सर, मॉड्यूल्स लेके आएंगे, ठीक ओके है। सर, ओके, तो थोड़ा और आगे करते हैं। सर इसमें मुझे एक डाउट है कि हाँ सपोज हमारे पास सर एक कंटेनर है, उसमें मेरी दो न्यूजेस हैं, मेरे पास मल्टीपल न्यूज हैं, अगर टू से थर्ड न्यूज अगर होती है तो मैं चाहता हूँ कि एक नया कंटेनर क्रिएट हो जाए और थर्ड तीसरी न्यूज उस कंटेनर में आ जाए, तीसरी चौथी, फिर अगर चार के बाद पांचवी होती है फिर एक नया कंटेनर क्रिएट हो जाए, तो ये सर कैसे होगा? थैंक। के नीचे एक करना है क्या? हाँ सर, ग्रिड में दिखा सकते हो ना, एक ग्रिड बना लो, ठीक है। हाँ एक एरे के अंदर सारी न्यूज रख लो और ठीक जितने है भी सर, आते जाएंगे वो ग्रिड फॉर्म में शो होते जाएंगे। अगर फर्स्ट रो में अगर तुम्हें तीन तीन न्यूज दिखानी है, देन सेकंड हाँ रो में फोर्थ फिफ्थ सिक्स दिखानी है, तो इस तरीके से अगर तुम करोगे कि ग्रिड लगा लो, ग्रिड की क्लास लगा लो, तो ग्रिड बेसिस के ऊपर जितना तुम्हारा एरे के अंदर कंटेंट रहेगा या जिसके भी अंदर तुम स्टोर करोगे, जितना हाँ भी कंटेंट रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। पर सर मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास दो ही, एक कंटेनर के अंदर दो ही न्यूज आए, अगर तीसरी न्यूज हो रही तो फिर एक नया कंटेनर क्रिएट हो जाए। और नया कंटेनर क्रिएट करने की क्या जरूरत है? नया कंटेनर अगर तुम क्रिएट भी करोगे तो उसके नीचे ही दिखाओगे ना उसे। हाँ सर, हाँ, तो ग्रिड यूज कर सकते हो ना तुम। ग्रिड भी यही करती है ना, जैसे अगर तुम्हारे तीन साइज में एक लेफ्ट हैंड तुम्हारे लिए कंटेनर रखती है, एक राइट हैंड रखती है, ठीक है। हाँ अगर जैसे ही ज्यादा होता है तो वो नीचे शिफ्ट कर देती है ऑटोमेटिकली, हाँ सर, ये तो होता तो ग्रिड यूज कर लो। है, बस इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है ग्रिड में, ग्रिड में क्या होता है कि सारे, जैसे मैंने एक कंटेनर बनाया ना तो फिर सारे कंटेनर उसी साइज के क्रिएट होते हैं, और मुझे क्या हाँ, चाहिए कि स्टार्टिंग के तीन की साइज अलग चाहिए, बाकी की साइज अलग चाहिए। तो ये सर उस वैसे तो जैसे हो जाता है अगर इसको हम स्टैटिक करते हैं तो, बट हमें डायनेमिक चाहिए, एपीआई के थ्रू जो न्यूज आ रही है उसमें ऐसा होना चाहिए कि तीन अलग साइज के कंटेनर क्रिएट हो जाएं जिसमें कि कंटिन्यू न्यूज आती जाए, और उसके बाद जो कंटेनर क्रिएट हो उनमें मतलब उनकी साइज अलग रहे। अगर सर मैं लूप इसमें लगा देता हूँ तो फिर वो क्या करता है कि सेम ही साइज के सारे कंटेनर्स क्रिएट करता है। ओके, तो तीन के बाद होना चाहिए ना, तो तुम एक काम करो, कंटेनर एक ही रहने दो, कंटेनर हाँ तीन नहीं होगा, तुम लूप लगा दो और उसमें कंडीशन लगा दो कि एरे की वैल्यू अगर इससे इंक्रीज होती है या फिर डिवाइड कर सकते हो या मॉड्यूलस निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो हाँ कंटेनर को रिपीटेडली कॉल कर लेगा, तुम इफ एल्स लगा सकते हो, एक
उसके अंदर लूप के अंदर, ठीक है, कि सपोज अगर तुम्हारी इंडेक्स की वैल्यू 2 है तो ये वाला कंटेनर जो इंडेक्स 2 से ज्यादा वैल्यू हो रही है तो दूसरा वाला कंटेनर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। जनरेट तुमको करके रखना पड़ेगा, जैसे ही वो आएगा लूप इंडेक्सिंग जैसे आगे बढ़ेगी सेकेंड से थर्ड जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा वो वाला कंटेनर भी शो होने लगेगा जो कि पहले हाइट था। ठीक है सर। सर इसमें थोड़ा सा आप लास्ट में थोड़ा, एक वेबसाइट है द ललन टॉप, उसको ओपन करिएगा सर, हाँ तो उसमें मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैं क्या चाहता ठीक है। हूँ। ओके सर। ओके ये आ गया। ये हो गया, ठीक है, इसमें अलग अलग फील्ड, 3 फील्ड बनाएंगे।
ओके okay, ये इनपुट बॉक्स आ गया इसके नीचे, ठीक है, जिसमें कि हम सर्च कर सकते हैं डेस्टिनेशन को। अब एक और चीज बताता हूँ, रिएक्ट आइकॉन्स करके एक एनपीएम की, एनपीएम का पैकेज होता है, ठीक है, उसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो ये मिल जाएगा तुम्हें रिएक्ट आइकॉन्स करके, यहाँ जानू इंस्टॉलेशन का जो कमांड है वो कॉपी पेस्ट, कॉपी करना, सर्वर पे जाना है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे से पेस्ट करना npm install react icon। तो ये क्या करती है, हम आइकॉन प्रोवाइड कराती है जो हम हमारी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं डायरेक्टली पैकेज को इंपोर्ट करके। जब तक ये हो रहा है तब तक देखते हैं कौन कौन सा आइकॉन प्रोवाइड कराती है। जैसे ही रिएक्ट आइकॉन लिखोगे गिटहब पेज पे जाना, इसके यहाँ पे आपको सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे। ये आइकॉन शो हो रहे हैं, यस सारे आइकॉन्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बूटस्ट्रैप के आइकॉन्स हैं, एथर के आइकॉन्स हैं, फॉन्ट और फ्लैट और कलर के मिल लेंगे। ठीक है, सामने क्या चाहिए, एक लोकेशन आइकॉन चाहिए। ये वाला आइकॉन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। ये हो गया हमारा इंस्टॉल, यहाँ पे लिखा रहा है 240 पैकेजेस आर लुकिंग, 65 देखिए ये एडेड वन पैकेज एंड 1520 पैकेज, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया, अब इसको इम्पोर्ट कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे जाओगे वेबसाइट पे तो इसका नेम आ जाएगा, कॉपी हो गया नेम। अपने पेज के ऊपर जाना है, जहां भी तुम्हें आइकॉन को यूज करना है, इंपोर्ट चलाना है, नेम लिखना है इसका, फ्रॉम में जाओ, फ्रॉम में क्या लिखोगे, रिएक्ट आइकॉन स्लैश स्टार्टिंग के टू लेटर्स, ठीक है। देन क्या लिखोगे, फिर इसके बाद जैसे ही हमारा ये इंपोर्ट हो गया तो हम इसे यूज करेंगे। लोकेशन डॉट यहाँ पे नहीं मिल रहा, ओके ठीक है, ऐसे के अंदर मेरे मिल रहा है, अब यहाँ है ये। क्लास में ठीक पे भी नहीं मिलता है। दूसरे दूसरा
स्ट्रक्चर, ये आ गया हमारा आइकॉन, शो हो रहा है। ओके यस सर। तो अब हम इसका जो भी बढ़ाना है वो बढ़ा भी सकते हैं। ओके तो ये हो गया। तो हमें क्या करना है, इसके जैसे मल्टीपल वो बनाना है। जब हमें लोकेशन मिल गई तो टू ट्रैवल्स की वेबसाइट में हमें डेट भी सिलेक्ट करनी रहती है, किस डेट से किस डेट तक हमारा प्लान रहेगा। तो यस डेट के लिए एंड सेकेंड हमारा रहेगा, थर्ड हमारा रहेगा इससे।